समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान उनकी पत्नी और बेटे के जेल जाने के बाद उनकी जौहर यूनिवर्सिटी पर संकट के बादल छा रहे हैं। जिलाधिकारी ने यूनिवर्सिटी को संचालित करने वाले ट्रस्ट की रिपोर्ट नहीं मिलने पर शासन को अवगत करवाया है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ सरकार जौहर यूनिवर्सिटी को अपने कब्जे में ले सकती है। यूपी सरकार ने इसे टेक ओवर करने की तैयारी शुरू कर दी है। सरकारी सूत्रों का दावा है कि जौहर यूनिवर्सिटी में सरकार का धन लगा है। छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार जौहर यूनिवर्सिटी को टेक ओवर कर सकती है। सूत्रों के अनुसार सरकार इस यूनिवर्सिटी पर प्रशासक नियुक्त कर सकती है। आपको बता दें कि जमीन अधिग्रहण को लेकर काफी समय से आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी विवादों में घिरी रही। कई केस यूनिवर्सिटी प्रबंधन के खिलाफ चल रहे हैं। यही नहीं, जौहर यूनिवर्सिटी में सरकारी जमीनों पर कब्जा व सरकारी पैसे के दुरुपयोग का भी आरोप लगा है। इस संबंध में रामपुर में उनके खिलाफ कई मुकदमे दर्ज हैं। दरअसल अखिलेश सरकार के दौरान सपा के कदावर नेता आजम खान ने रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी। ये उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था। यूनिवर्सिटी का संचालन एक ट्रस्ट करता है। इसके संस्थापक और कुलाधिपति आजम खान ही हैं। यही नहीं, आजम खान जौहर ट्रस्ट के भी अध्यक्ष हैं। उनके बेटे अब्दुल्ला आजम सीईओ हैं और ट्रस्ट के सदस्य हैं। वहीं आजम खान की पत्नी तजीन फातिमा भी ट्रस्ट की सदस्य हैं। इस समय आजम खान के साथ अब्दुल्ला खाजम तजीन फातिमा जेल में हैं। यूनिवर्सिटी को संचालित करने वाले जौहर ट्रस्ट के अध्यक्ष आजम और दूसरे सदस्य भी फर्जीवाड़े में फंसे हुए हैं। ट्रस्ट की ओर से हर साल की रिपोर्ट नहीं भेजकर नियमों का उल्लंघन किया गया है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी की सरकार में जौहर यूनिवर्सिटी बनकर तैयार हुई थी। सत्ता परिवर्तन के बाद इसकी शिकायतें आना शुरू हो गई। प्रशासन ने जांच पड़ताल शुरू करवाई तो एक के बाद एक तमाम अनियमितताएं सामने आने लगी। जांच में पाया गया कि स्टाम्प लगवाने से छूट दी गई थी। समाजवादी पार्टी शासन काल में आजम खान द्वारा गरीब दलितों की लगभग 100 बीघा के आसपास जमीनें जौहर ट्रस्ट के नाम सारे नियमों और को ताक पर रखकर अपने नाम करवाई गई थी, जिसकी शिकायत मेरे द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को की गई थी। मुख्यमंत्री जी ने पूरे विषय की जांच के उपरांत इस मामले को तत्कालीन जिलाधिकारी द्वारा रेवेन्यू बोर्ड प्रयागराज में दर्ज किया गया और आज बोर्ड के ऐतिहासिक फैसले ने साफ कर दिया है कि जो पूर्व में मुरादाबाद कमिश्नर ने जो ये आदेश पारित किए थे बिना जिलाधिकारी की अनुमति के इस ज़मीन को जौहर ट्रस्ट के नाम करने के, वो आज सारे ऑर्डर कैंसिल कर दिए गए हैं और अब बहुत जल्द जो दलितों की ज़मीनें थीं वो शासन को वापस होंगी। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करूंगा कि इन ज़मीनों को दोबारा से उन्हीं दलितों को अलॉट किया जाए। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise.